टोटल 100 रुपए के अंदर अंदर मौत का सामान तैयार है। ये सारी किसी के खाने में मिला दी जाए एक दफा, हमने हिडन कैमरा से इसको शूट किया है। खतरनाक नहीं है ये, एंटी एलर्जी अच्छी होती है, उसके बगैर दे रहे हैं कि अगर कोई ये सारी दवा एक साथ खा गया, जाके डॉक्टर से पूछो, स्टेरॉइड नहीं है ये। तो कोई शर्मिंदगी नहीं है, बस है लाइसेंस। आज के हेल्थ क्राइम में हम पर्दा उठाएंगे ऐसे कुछ मेडिकल जनरल स्टोर से जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जी हाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, आपको वो नशे की अद्वियात फराहम कर देते हैं जो नहीं मिलनी चाहिए। लॉ क्या कहता है, डॉक्टर्स क्यों आखिर ये प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, क्या अंडर 18 इस तरह की नींद की दवाइयाँ या फिर नशे की दवाइयाँ आपसे आकर खरीदें तो आपको उन्हें देनी चाहिए या फिर आपको उनसे प्रिस्क्रिप्शन मांगना चाहिए, आपका ज़मीर क्या कहता है, आप अपनी ड्यूटीज़ किस तरह सर अंजाम देते हैं। जी हाँ ये भी क्रिमिनल एक्ट ही है। अगर आप किसी बच्चे को नींद की दवा के कंप्लीट स्ट्रिप्स या फिर नींद की दवा के इंजेक्शन बगैर जांच पड़ताल किए दे दें तो आप मुजरिम हैं। नाज़रीन अब दिखाते हैं आपको वो मंजर जब हमारे ही एक टीम मेंबर ने अलग अलग जनरल और मेडिकल स्टोर्स पर जाकर कुछ अद्वियात जो कि नशे की हैं, नींद की हैं, वो खरीदी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और फिर एक ही क्लिनिक पर जाकर, कुछ अलग अलग क्लिनिक्स थे, कुछ जगहों पर छोटे छोटे क्लिनिक्स थे जहाँ जाकर कोशिश की वो इंजेक्शन लगवाने की, तो कहानी ने एक नया रुख पकड़ा। कहानी ये बताती है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और बगैर जांच पड़ताल के वो इंजेक्शन हमारे टीम मेंबर को लगा दिए गए। स्पाई कैम की मदद से कुछ ऐसे फुटेजेस हमारे हाथ आए हैं, आइए देखते हैं। ममनुआ इंजेक्शन की खुलेआम फरोख्त, पाकिस्तान के कई मेडिकल स्टोर बगैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं जो डॉक्टर की स्लिप के बगैर चंद पैसों के एवज कोई भी मोहलिक दवा या इंजेक्शन बआसानी फराहम कर देते हैं। हेल्थ क्राइम की टीम ने एक ऐसे ही मेडिकल स्टोर से बआसानी नशावर इंजेक्शन खरीद लिया। इस जरा सी गफलत की बिना पर इनका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मंसूख किया जा सकता है। क्लिनिक वालों को हरगिज इससे कोई सरोकार नहीं कि ये इंजेक्शन कौन सा है और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। हेल्थ क्राइम की टीम ने अपना नुमाइंदा मुतादिद मेडिकल स्टोर पर भेजा। हम ये जानकर हैरान हो गए कि जो गोली या इंजेक्शन हमने जिस मेडिकल स्टोर से मांगा हमें बआसानी फरहाम कर दिया गया। हम तमाम मनाजिर की अपनी गाड़ी से वीडियो बना रहे थे। ये देखकर हमारी हैरानी का कोई आलम ना रहा कि तमाम ही मेडिकल स्टोर हमारे नुमाइंदे को हर वो दवा दे रहे थे जो वो मांग रहा था। ये बात रोजे रोशन की तरह हुई कि नशे की गोलियां हो या जहरीले इंजेक्शन, कराची के कई मेडिकल स्टोर से बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के सब कुछ बआसानी लिया जा सकता है। हेल्थ क्राइम की टीम ने इन तमाम दवाइयों को डॉक्टर को दिखाया तो उनका यही कहना था कि ये नशा आवर दवाइयां हरगिज आम दवाइयां नहीं हैं। ये दवाइयां डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सर ये इंजेक्शन हम, हमारा ताल्लुक डेकर रोने अच्छा कि सांस के लिए, अगर आपको सांस की कोई तकलीफ हो रही है तो उसमें ये लोग दिए जाते हैं। ये अक्सर हम लोगों के लोग क्वेट्स में क्लिनिक्स खोले हैं, बहुत खतरनाक इंजेक्शन है। ऐसे ही डॉट प्रिस्क्रिप्शन कैसे दीजिए, किसने दिया है, हम देखा है वो तो फिर अच्छा खतरनाक किस हवाले से है, अगर किस लिहाज से खतरनाक है कि ये स्टीरोइड है। ये दवाइयाँ मुझे बताएंगे किस काम आती हैं? ये वो है नींद की हैं। नींद की दवाइयाँ हैं पक्का? जी सर। ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बिकती हैं? नहीं बिकती ना, हम देते हैं। आप नहीं देते? आप पक्का नहीं देते? सर ये दवाइयाँ अभी आपके मेडिकल स्टोर से ख़रीदी हैं। मैं आपको फुटेज दिखा सकती हूँ, हमने हिडन कैमरा से इसको शूट किया है। ये आप ही के मेडिकल स्टोर से ख़रीदी गई? अच्छा नहीं, आपके मेडिकल स्टोर से ख़रीदी गई, मैं आपको बता रही हूँ और आपको पता भी है। आप यहाँ कितनी देर से बैठे हैं? मैं अभी आया। अच्छा आप अभी हैं,
ये कह रहे हैं मेरे मैंने तो नहीं बेची हैं दवाइयाँ। सर आपने अभी खुद कहा कि ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं बेची जाती हैं और आप बेचते भी नहीं हैं, तो फिर कैसे दे दी आपने ये दवा? कि अगर कोई ये सारी दवा एक साथ खा जाए ये वाली स्ट्रिप क्या होता होगा, कोई अंदाज़ा? ये दवा, ये जितनी भी दवाइयाँ इस वक्त मेरे हाथ में है ना, अगर ये सारी किसी के खाने में मिला दी जाएँ एक दफ़ा में, आपको लगता है कि वो इंसान बच जाएगा? किसी मेडिकल, हम मीडिया पे जब चीज़ें चलती हैं ना, जब मीडिया वाले हम दिखाते हैं ना, हम पागल लोग हैं असल में, हम कड़ी से कड़ी जोड़ने वाले लोग हैं। जब हम दिखाते हैं ना तो लोग कहते हैं मीडिया के पास इसके अलावा कुछ दिखाने को है नहीं। ये देखिए, ये मेडिकल स्टोर वाले ये कितने पत्ते हैं, ये सारी चीज़ें अगर किसी को दूध में मिला के दे दी जाएँ, किसी को खाने में मिला के दे दी जाएँ, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपके मुँह का टेस्ट बुखार में एंटीबायोटिक की वजह से ख़राब होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। लाइसेंस वाइसेंस चाहिए होता है मेडिकल स्टोर खोलने के लिए? चाहिए होता है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता ना, इसलिए मेरे लाइसेंस वाइसेंस चाहिए होता है क्या? हाँ चाहिए होता है। आपके पास है लाइसेंस? बिल्कुल है। आप यहाँ कॉपी वगैरह रखते हैं लाइसेंस की? हम जैसे लोग आ जाएं जिसको आप दिखा सकें। सर मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे दीजिए आप कि क्या, मतलब मुझे तो लगता है कि ये बहुत आसान है ना हमारे लिए। कोई नींद की दवा, सुकून की दवा, मुझे टेंशन हो रही है, मेरे घर में खाने को नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ, मेरे घर में वालदा बीमार है, बीमार को सुलाना हल नहीं होता। इतनी एक और चीज़ भी होती है, एक आध दे दी ना टैबलेट, समझ आता है बंदा ज़िद कर रहा था, मैंने एक टैबलेट दे दी। आप पूरे पत्ते दे रहे हैं, पूरी पूरी स्ट्रिप दे रहे हैं, कितने की क्या कीमत है, क्या कीमत है इन दवाइयों की? हाँ ये वाला, ये 70 रुपए का है, और ये वाला, ये वाला, ये 50 का है, और ये 1 रुपए की एक टैबलेट है, मतलब ये भी कोई 10-12 रुपए की का होगा। ये भी टोटल 100 रुपए के अंदर अंदर मौत का सामान तैयार है। सर लाइसेंस की कॉपी आपने नहीं लगाई हुई, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप दवा दे रहे हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा इंसान जो तमीज़दार भी हो, लेकिन इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करता हो ना, वो भी गलत होता है। आप अपने लिए क्या सजेस्ट करेंगे? मुझे सिर्फ आपसे जवाब चाहिए, आप अपने लिए क्या सजेस्ट करेंगे? क्या आपके हिसाब से आपको क्या करना है? क्या रिक्वेस्ट करेंगे? कोशिश कीजिएगा आइंदा कभी ये काम ना करें, सर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवा ना दें। हेल्थ टाइम की टीम ने एक और मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। कौन सी दवा खरीद रहे हो? एंटी एलर्जी। एंटी एलर्जी है ये? बगैर पर्ची के दे रहे हैं, जो डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची होती है उसके बगैर दे रहे हैं? स्विंग दे रहा है। ये दवा यहाँ से लेके नहीं गया ये? किसने कहा? मैं कह रही हूँ आपसे, मेरे पास 2 कैमरे हैं। सिरिंज है, सिरिंज दे रहा हूं मैं। थोड़ी देर पहले ये दवा यहीं से लेके गया। मेरे से ये नहीं लेके गया, मेरे से ये लेके गया। दिखा दूं मैं आपको? मतलब मुंह पे झूठ बोलेंगे आप? मुंह पे झूठ बोलेंगे आप जी? मैं से सिरिंज ले रहे हैं। अभी ले रहे हैं ना सिरिंज? सिरिंज ले रहे हैं। इससे पहले नहीं ये दवा ले रहे? सिरिंज ले रहे हैं अभी तो, ये सिरिंज ले रहे हैं, इससे पहले आपसे दवा नहीं लेके गए ये? मुझसे से सिरिंज ली है उन्होंने। इससे पहले आज के दिन में इसने आपसे कुछ नहीं खरीदा? सिरिंज ली है, नहीं दिया मैंने कुछ। ये दवा आपने नहीं दी है? एविल मांगने आए थे, नहीं दिए मैंने। ये दवा आपने नहीं दी है? ये ले लो, खतरनाक नहीं है, ये एंटी एलर्जी है, जाओ डॉक्टर से जाके पूछो, जाके डॉक्टर से पूछो, स्टेरॉइड नहीं है ये, जाके आप डॉक्टर से पूछ करें। ये एंटी एलर्जी कैसे? खारिश के लिए, खारिश के लिए। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची के बगैर आप दवा नहीं, पता है इतना आपको? ऐसे ही लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि हम ही हैं जो आपको इनिशिएट करवाएंगे क्रिमिनल एक्ट, क्योंकि इनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। लीस्ट बॉदर्ड जो है ना, इसी तरह की पर्सनैलिटी को कहा जाता है कि जाके कर लीजिए, जो करना है, जिससे पूछना है पूछ लीजिए, मुझसे नहीं लेगी। मतलब मैं, आप मेरे मुँह पर साफ झूठ बोलेंगे कि ये दवा आपसे नहीं लेगी? क्या मेरा कैमरा ना गाड़ी में बैठ के आपको रिकॉर्ड किया है और आप कह रहे हैं हाँ दिखा दो, आप कह रहे हैं मैंने तो ये दवा दी नहीं, मतलब इससे आपको लगता है आप जैसों की जान छूट जाएगी? आप जैसों की जान छूट जाएगी झूठ बोलने से? आप जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से लोग मरते हैं, आपको पता है? आप जैसे ही लोग हैं और कोई नहीं है यहाँ ना, छुरे से लोग कम मरते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से ये नींद की दवाइयाँ और ये एस्ट्रॉइड काइंड ऑफ इंजेक्शन दे के लोगों को मारते हैं। क्या 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 बोल रहे हैं आप?
शर्म नहीं आती ना आप लोगों को झूठ बोलते हुए? पाले में ऐसे लोग, आप जैसे लोगों दिखाने के लिए, आप जैसे लोगों का ना चेहरा ऐसे ही लोग सामने ला सकते हैं, आपको कैसे पता? काम नहीं किया आपके पास ना अपने गलत जवाब। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसीलिए आप लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं, समझ आई? इसीलिए आप लोगों पे बात कर रहे हैं। आप जैसे लोग ना छुरी चाकू और गोली से नहीं मारते लोगों को, इस तरह मारते हैं। और उसके ऊपर आओ मुझसे सवाल करो, मैं कहूँगा नहीं कुछ भी नहीं है, झूठ बोलेंगे ये, मतलब झूठ बोलेंगे, कहेंगे ये एंटी एलर्जी के, और जिसको दिखाना है डॉक्टर को जाके दिखा देंगे। हाँ, इन्होंने मुझे बोला भाई खारिश हो रही है मेरे को। मैंने मान ली आपकी बात, ये एंटी एलर्जी के, मान ली, हो गई बात आपकी बात। आपको डॉक्टर का पर्चा जिसे प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है वो दिखाया था इसमें, हाँ या ना? मैं जवाब दे दूँ कि ये एलर्जी नहीं दिखाया था। आपको किसी ने आज तक ये बताया है कि बगैर पर्चे के, बगैर डॉक्टर के लिखे पर्चे के, जिसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, दवा नहीं दी जाती? मेडिकल स्टोर कितने टाइम से चला रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 सालों में कभी किसी ने बताया कि बगैर डॉक्टर की पर्ची के दवा नहीं देते हैं? खामोशी जो है ना वो ऐसा जवाब होता है जिसके आगे कुछ ना कह के भी लोग आपको बता देते हैं कि अब वो कर गुजरे हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं। हम कहते हैं कि लोग मारे गए, लोगों ने खुदकुशी कर ली, उनके घर में तो ऐसी दवाइयाँ नहीं बनती ना कि वो खुदकुशी कर लें, वो मार लें अपने आप को। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? माइक नहीं था पीछे, उसकी भी तो लेके जाएं तस्वीर जरा, फुटेज बना आपको उसकी तो रखा हुआ है। आपको अपने मतलब कोई भी गलत काम करता है उसको नहीं पकड़ ले। एक मिनट, कोई भी गलत काम करने वाला आएगा, नशा आवर आएगा, आप दे देंगे? नहीं देते। फिर इसको क्यों? आपके हिसाब से ये नशा ही है ना? कौन सी नशे की दवाई है? तो फिर मेरे पास आना है। और शक्ल से दिखता है वो, 10 बंदे खड़े हैं इसमें, कोई ऐसा दिखा दे मुझे आप। इनकी तसल्ली के लिए मान लिया, कोई काम नहीं है, सिर्फ बदनामी के लिए रखा हुआ है इसको अपने साथ। सबसे बड़ा दुनिया का मनुष्य है ना बस, तो आपकी टीम है ही ऐसी, तो क्या करें? अगली बात पे आओ, अगली बात पे आओ। अब हमने आपकी सारी बातें मान ली, ये नशा आवर, ये हमारी सारी बात मान ली है, लेकिन अपनी ये आप इसको मान लो, इसको बताओ, कैमरे के सामने बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं इसके बारे में, ठीक है? अब इसके बारे में बताओ, ये नशे की नहीं है, मान लिया ना? क्या ये जिंदगी देने की दवा, खारिश की दवा बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जा सकती है? आप अलाउड हैं? आपके पास लाइसेंस है मेडिकल स्टोर चलाने का? कहाँ है? चले लाइसेंस दिखाएं। रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत वो लाइसेंस आपको दुकान पे चस्पा जरूर करनी होगा। इनके पास गट्स हैं इस बदनामी को फेस करने के, लेकिन इनके पास गट्स अपनी गलती को मानने के नहीं। एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं कि जो केमिकल प्रोसेस से बनती है, जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है वो बगैर रजिस्ट्रेशन के या बगैर रजिस्टर्ड वाली आप अपनी दुकान में नहीं रख सकते। ड्रग से लाइसेंस जो है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, और ये उसके लिए लाजिम है कि वो ड्रग से लाइसेंस जो है एक ऐसी जगह पर आवेजा करे जो हर आदमी उसको देख सके और पढ़ सके। दवाएं दो तरह की होती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स और दूसरी दवाएं, ठीक है? ओटीसी ड्रग्स वो होती हैं जो बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के हासिल की जा सकती हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से। उसके अलावा तमाम तर दवाएं प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जानी चाहिए, और जब डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहा हो तो उसको ये प्रिस्क्रिप्शन में लिख देना चाहिए कि कितने अरसे के लिए ये दवाएँ ली जाएँ, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि वो शख्स बार बार वही प्रिस्क्रिप्शन ले जाकर वो दवा बार बार हासिल करता रहे। नाज़रीन, कभी कभार आप साफ झूठ बोलते हैं, और वही साफ झूठ, सफ़ेद झूठ हमने आपको आज के अपने हेल्थ क्राइम के एपिसोड में दिखाया कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो कानूनी तौर पर गलत होते हैं, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम को, अपने कारोबार को चलाने के लिए बस यूं कर जाते हैं, ऐसे लगता है कि हमें पता ही नहीं लगा। तो यही सवाल आज के हेल्थ क्राइम के प्लेटफॉर्म से हम आपकी तरफ छोड़े जा रहे हैं कि क्या ये सही है? कोई एक बंदा जिसके पास एक डिग्री नहीं है, लाइसेंस नहीं है, क्या वो मेडिकल स्टोर चलाने का हकदार है? आज यही सवाल छोड़े जाते हैं आपके लिए, सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। आज का हेल्थ क्राइम बस यहीं तक, इसी सवाल के साथ दीजिए इजाज़त शाइना पटेल को, हेल्थ क्राइम की टीम के साथ।